अब बिहार के गरीब लोग भी दिल्ली के निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। दरअसल अभी से 2 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया था, तब तेलंगाना उड़ीसा के साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी इस योजना को लागू करने से मना कर दिया था, जिसके कारण आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त मिलने वाला इलाज दिल्ली में नहीं हो पा रहा था, जिससे भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने इसको लेकर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात किया, जिस पर अभी तक बात बनी या नहीं बनी इस पर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हालांकि भारत के स्वास्थ्य मंत्री की समस्या बिहार के गरीबों को इलाज के लेकर जो थी उस पर अब बड़ी खुशखबरी मिल रही है। दरअसल नेशनल हेल्थ एजेंसी ने दिल्ली के निजी अस्पतालों से आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए खुद रिक्वेस्ट किया था, जिसे कि दिल्ली के निजी अस्पतालों ने सहमति और स्वीकृति दे दिया है। हालांकि दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों ने इसकी सहमति और स्वीकृति अभी नहीं दी है, केवल 9 अस्पतालों ने इसकी सहमति दी है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने मीडिया से हिंदुस्तान लाइव में हुई बातचीत में बताया है कि भविष्य में और भी दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल है वो आयुष्मान भारत से जुड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी अस्पतालों का विवरण हम बहुत जल्द आयुष्मान भारत के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जिससे बिहार और अन्य राज्यों के जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त इलाज दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत हो पाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना सुझाव दें, और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और घंटा का बटन जरूर बजा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम लेके आए तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, बिहार डेलीगेशन से।